हेलो वेलकम टू यू ऑल लेट वी स्टार्ट विद क्लास नाइन्थ चैप्टर एट क्वाड्रिलेटरल्स तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा क्वाड क्वाड का मीन्स होता है फोर क्वाड मीन्स फोर तो क्वाड्रिलेटरल में फोर uh, साइड्स होती हैं एंड फोर एंगल्स होते हैं बेसिकली तो वाई वुड ऑल दीज शेप्स बी कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल इन सबको क्वाड्रिलेटरल्स क्यों कहा जा रहा है क्योंकि इन सभी में फोर साइड्स हैं जो आपको गिवन फिगर्स दिखाई दे रही होंगी हाँ uh, इसमें फर्स्ट वन इज़ स्क्वायर सेकेंड इज रोमबस थर्ड इज़ ट्रपीजियम ट्रपीजियम कहिए या ट्रेपेजॉइड कहिए फोर्थ इज़ रेक्ट एंगल एंड फिफ्थ वन इज़ पैरालोग्राम तो ये सारे क्वारिलेटर्स के ही टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ क्वारिलेटर तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे हम इसमें तो क्वारिलेटर्स में याद रखिएगा फोर साइड्स होती हैं फोर एंगल्स होते हैं और इसके सभी एंगल्स का सम होता है थ्री सिक्सटी इसमें फोर एंगल्स जो होते हैं चारों एंगल का सम होता है थ्री सिक्सटी डिग्री जैसे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम वन एट्टी होता है ऐसे क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम होता है थ्री सिक्सटी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो इसको प्रूफ भी किया जा सकता है बहुत ईजीली आप दो ट्राइंगल्स बनाइए दो ट्राइंगल इसमें आप अगर डायगनल ड्रॉ करेंगे इसका अगर आप इस किसी में इसमें से किसी का भी आप कोई भी क्वारिलेटर ले लीजिए किसी का भी अगर डायगनल ड्रॉ करते हैं तीनों एंगल का सम वन एट्टी होगा ओके ऐसे ही इन तीनों एंगल का सम 180 होगा जब आप ऐड करेंगे 180 180 सारे एंगल्स का सम हो जाएगा 360 डिग्री तो इस तरह से इसमें ये भी शो किया जा सकता है कि इसके सब चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री तो बेसिकली क्वारिलेटल में फोर साइड्स होती हैं फोर एंगल्स होते हैं चारों एंगल का सम थ्री डिग्री होता है अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वारिलेटल पे तो स्क्वायर और रोमबस के तो इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि इन दोनों को सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं दोनों ये दोनों सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं इन दिस स्लाइड शो यू विल लर्न दैट वी आईडेंटिफाई क्वारिलेटर बाय देयर एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ देयर साइड्स क्वारिलेटर को उसके एंगल्स के, के बिहाव पर उसकी साइड की लेंथ के, के बिहाव पर कैटेगराइज किया गया है तो उनके टाइप्स देख लीजिए फर्स्ट वन इज स्क्वायर स्क्वायर हैज फोर साइड्स क्वायर की फोर साइड्स होती है और सेम लेंथ की होती है चारों साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर के केस में तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं और चारों एंगल क्या होते हैं चारों एंगल नाइंटी डिग्री के होते हैं ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ नाइंटी डिग्री राइट एंगल मीन्स नाइन्टी डिग्री के होते हैं चारों एंगल देन सेकेंड वन इज रोमब रोमबस में भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं बट नाइन्टी डिग्री के एंगल नहीं होते साइड के भी हाफ पे अगर देखा जाए तो रोमबस और स्क्वायर सेम है सिमिलर है बट एंगल्स को देखते हुए ये अलग हो जाते हैं यहाँ पर एंगल नाइन्टी नहीं होता स्क्वायर के चारों एंगल नाइन्टी डिग्री के थे राइट right एंगल थे इस रोमस के, के केस में नहीं होते तो रोमबस हैज फोर साइड्स डेट आर ईच ऑफ सेम लेंथ बट इट हैज टू एक्यूट एंगल एंड टू अप्यूस एंगल दो एंगल एक्यूट होते हैं और दो अपटीवस एंगल होते हैं नाइन्टी डिग्री का नहीं होता इसमें कोई ओके स्क्वायर एंड रोम्बस स्क्वायर रोम्बस को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे स्क्वायर एंड रोम्बस हैव फोर साइड्स ऑफ सेम लेंथ फोर साइड्स होती है सेम लेंथ की होती है तो तो सिमिलरिटी हो गई डिफरेंस क्या है इसमें हाउ आर दे डिफरेंट डिफरेंट इनके एंगल्स का है स्क्वायर के एंगल नाइनटी के होते हैं रोम्बस के नहीं होते है. तो इसमें दिखा रखा है अगर हम स्क्वायर की साइड साइड को पुश करेंगे लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड को पुश करेंगे तो कुछ रोम्बस टाइप की फिगर बनेगी स्ट्रेट लाइन को पुश किया जाएगा तो थोड़ा ये स्लेंट हो जाएगा तो रोमबस में साइड स्लेंटेड होती है रोमबस की साइड्स क्या होती है स्लेंटेड द ओनली डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर एंड रोमबस इज देयर एंगल्स 90 डिग्री स्क्वायर के हैं बट रोमबस के नहीं है स्क्वायर के एंगल 90 के होते हैं है, है ना रोमबस के नहीं होते ट्रिपीजियम ट्रिपीजियम कहिए या ट्रिपीज कहिए इसको बेसिकली आप ट्रिपीजियम ही कहेंगे ट्रिपीजियम ट्रिपीजियम तो ट्रिपीजियम क्या होता है कुछ इस तरह की फिगर होती है इसमें भी फोर साइड्स होती हैं टू साइड्स आर पैरल हाँ ये वाली साइड्स क्या है पैरल टू वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरल एक ही पेयर पैरल होता है जबकि बाकियों में अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरल होते हैं बस ट्रिपीजियम में एक पेयर ही पैरल होता है बाकी क्वारिलेटर्स जो आपने अभी देखेंगे तो उनमें अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरल होते हैं इक्वल भी होते हैं यहाँ पर एक ही पेयर पैरेलल है इक्वल कुछ नहीं होता तो इस तरह से ये ट्रेपेजियम है द नेक्स्ट वन इज़ ट्रेपेजियम थोड़ा डिफरेंट है अब हम रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को लेते हैं साइड्स के बिहाफ पर यह सेम है ये रेक्टेंगल लॉन्ग साइड एंड टू शॉर्ट साइड्स टू साइड्स आर पैरेलल अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरल होती हैं इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल एंड पैरल ये डबल एरो जिन पे बनाए हैं ये इक्वल है. और पैरल हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरल और दोनों पेयर इक्वल और पैरल होते हैं ये दूसरा पेयर भी क्या है इक्वल एंड पैरल जिसपे सिंगल एरो बनाए हैं वो भी इक्वल और पैरल है तो इसके ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल चारों एंगल नाइन्टी डिग्री के होते हैं चारों एंगल क्या होते हैं नाइन्टी डिग्री के तो स्क्वायर था स्क्वायर और रेक्टेंगल में नाइन्टी के एंगल होते हैं तो नाइन्टी डिग्री एंगल होते हैं राइट एंगल राइट एंगल होते हैं इसके चारों एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल साथ में ये भी कह सकते हैं इनके डाइगनल्स भी क्या होते हैं लेंथ में इक्वल होते हैं डाइंगनस आर इक्वल डाइंगनल्स इक्वल होते हैं बाइसेकट नहीं करते इक्वल है, होते हैं नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम भी उसी तरह की तरह है कुछ रेक्टेंगल की तरह बट इसमें नाइन्टी के एंगल नहीं है ऑल फोर साइड्स चार साइड्स होती हैं टू अपोजिट साइड्स एंड पैरल इसमें भी सेम लाइन वही है टू अपोजिट साइड्स एंड पैरल तो डबल इक्वल और वाली है. पर और टू एक्यूट एंगल 90 के एंगल नहीं होते दो एक्यूट होते हैं और दो ऑप्टी होते हैं एंगल रहा डायगनल का इसके डाइंगनल क्या करते हैं बाइसेकट करते हैं डायंगल बाई करते हैं तो डायगनल बाइसेक्ट हमने बता दिया डाइंगल बाइसेक का तो स्क्वायर और रोमबस में भी है स्क्वायर और रोमबस के भी डाइंगनल बाईसेक करते हैं और वहाँ तो नाइन्टी डिग्री पर बाइसेक करते हैं अगर आप स्क्वायर और रोमबस देखें तो स्क्वायर और रोमबस के डाइंगल जो हैं वो बाइसेक करते हैं नाइन्टी डिग्री के एंगल पर यहाँ पर एंगल जो बनता है ये ये नाइन्टी डिग्री का होता है यहाँ एंगल कितने का होता है नाइन्टी डिग्री डाइंगनल बाइसेक करते हैं मीन्स इक्वल लेंथ के इक्वल uh, बाइसेक करते हैं और 90 डिग्री एंगल बनता है इसमें बट यहाँ पर, पर पैरलोग्राम के केस में नहीं बनता डाइंगल सिर्फ बाईसेक्ट ही करते हैं तो रेक्टेंगल और पैरोोग्राम में एंगल्स का ही डिफरेंस है अपोजिट साइड और इक्वल एंड पैरल तो थी रेक्टेंगल स्ट्रेट होता है नाइन्टी के एंगल का होता है नाइन्टी एंगल्स होते हैं इसके चारों एंगल राइट right एंगल होते हैं बट रोम पैलोग्राम के नहीं होते तो ए पैरोग्राम कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्लेंटेड रेक्टेंगल रेक्टेंगल की साइड्स को स्लेंट किया जाए तो पेलोग्राम बन जाता है तिरछी होती है इसकी साइड स्लेंटेड मीन्स तिरछी पेलोग्राम की साइड तिरछी होती है रेक्टेंगल सीधा होता है पेलोग्राम टेढ़ा होता है ऐसे स्क्वायर सीधा है और रोमबस टेढ़ा है द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ रेक्टेंगलर पैरोग्राम इज देअर एंगल बताई दिया नाइन्टी का जैसे मैंने स्क्वायर और रोमबस में बताया था वैसे ही सेम है यहाँ पर यहाँ पर एंगल नाइनटी के हैं बट यहाँ पर नहीं होते यहाँ पर एक्यूट होते हैं यूज द फॉलोइंग टेबल टू मेक कंपेरिजन यूजिंग द कोआर्डिलेटर्स फॉर एग्जाम्पल वॉट डू ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव इन कॉमन स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या कॉमन है स्क्वायर रेक्टेंगल 90 डिग्री का एंगल करता है एंगल्स इनमें 90 के होते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो ये तो मेन बात हो ही गई तो क्वारीडेटर को कैटेगराइज किया गया है सारे सबके साइड्स और एंगल के भी पर बताया गया है स्क्वायर की चारों साइड सेम लेंथ की होती हैं चारों एंगल राइट एंगल होते हैं रोमबस की भी चारों चारों साइड सेम होती हैं बट एंगल नाइन्टी के नहीं होते दो एंगल अप्यूज होते हैं दो एक्यूट होते हैं ट्रिपीजियम है थर्ड इज ट्रिपीजियम का ही है ट्रेपेजॉइड ट्रिपीजियम में डिफरेंट लेंथ होती हैं डिफरेंट एंगल्स होते हैं और ऐसे ही रेक्टेंगुलर एगलर देखेंगे तो वही नाइन्टी का डिफरेंस आएगा एंगल्स में जैसे और स्क्वायर और रोमबस में यहाँ पर एंगल्स का डिफरेंस है ऐसे ही यहाँ पर रेक्टेंगल और पैरोग्राम में एंगल्स का डिफरेंस है यहाँ स्क्वायर के देखिए और रेक्टेंगल के देखिए नाइन्टी के होते हैं बट रोमबस और पैरोग्राम के नहीं होते हैं नाइन्टी डिग्री तो ये स्क्वायर और रोमबस सेम होते हैं सेम लेंथ तो होती है चारों साइड्स इक्वल होती हैं इसमें इसमें भी बट यहाँ पर रेक्टेंगल और पैरोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरल होती हैं पैरल तो स्क्वायर और रोमबस में भी थी ओके okay, इसी के साथ क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट होता है क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स उनके टाइप्स की प्रॉपर्टीज तो इसमें एक काइट और आता है वैसे आ, एक टाइप और होता है क्वाड्रिलेटरल का काइट काइट कुछ किस तरह की फिगर होती है वो देख लेते हैं काइट में कुछ ऐसा होता है इसमें ये इक्वल इक्वल होती हैं एडजस्टेंट साइड इक्वल होती हैं ये इसके इक्वल होती है एंड ये वाली इसके इक्वल होती है काइट का नाइन्थ में कम यूज है आपको ये सारे क्वारिलेटर्स की प्रॉपर्टी के बिहाफ पर प्रूविंग क्वेश्चन करने हैं तो प्रूविंग क्वेश्चन देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रूव किए जाएंगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में